शुरू करते हैं। घर पे घी बनाना, ये मैंने मलाई ले ली है। मलाई जो दूध हम लोग डेली दूध लेते हैं उसको बॉईल करते हैं, उसको फ्रिज में जब रख देंगे उसके ऊपर एक मलाई जम जाती है। डेली उसको दूध यूज़ करने से पहले निकाल लेते हैं, निकाल के फ्रिज में ही उसको स्टोर करते रहते हैं कम से कम एक हफ्ता, मगर फ्रिज में या फ्रीज़र में ही स्टोर करेंगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। बस मलाई ले लिया है, इसको ठंडी है अभी भी फ्रिज की, बस इसको निकाल के सीधे हम लोग इसको चलाएंगे। थोड़ा सा हो जा, इसको दो मिनट, एक मिनट दो मिनट हो गए हैं चलाते हुए। मलाई देखिए पतली होने लगी है ये, अभी इसको और चलाएंगे, बस इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे। बस कुछ करना नहीं है, ऐसे ही बस चलाते रहना है। दो तीन मिनट का टाइम लगता ज़रूर है, पाँच मिनट लग जाता है कभी कभी। देखिए जितनी पतली थी एकदम गाढ़ी होने लगी है, अभी इसको और चलाना है। मगर थोड़ी सी टाइट हो जाती है ये चलते चलते। एकदम जो है ये सूखा सूखा सा हो गया है, इसको बस हमको तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें से इसका जो पानी है वो अलग हो जाए और बटर इसका अलग हो जाए। जब इसका थोड़ा थोड़ा लिक्विड अलग होना शुरू हो गया है, इसका लिक्विड धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया है, लूज होने लगी है ये मलाई। देखिए अलग होने लगा इसका लिक्विड पानी जैसा। तो इसको ऐसे ही चलाते रहने, दो तीन मिनट, ज़्यादा देर नहीं लगती, मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेगा। देखिए इसका एकदम से पानी अलग होने लगा। देखिए इसका बटर अलग हो गया है और इसका जो है ये लिक्विड इसका जो था वो एकदम अलग हो गया है। वैसे तो घी ऐसे भी निकल आता है, डायरेक्टली आप मलाई चढ़ा दें गैस पे और उसको पकाएं, मगर उसमें ज़्यादा घी नहीं निकलता है, उसमें वेस्टेज बहुत हो जाती है और गैस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कैसे हाथ से दबा के कर लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी डालेंगे ऐसे। ठंडे पानी से क्या होगा ना, जितना भी इधर उधर बटर उसमें रह गया है वो सब जम के एक साथ आ जाएगा। ऐसे उठाएंगे, ऐसे टाइट से ऐसे अच्छे से दबाएंगे ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए। देखिए कितना बढ़िया बटर बना है, वाइट बटर। दबा दबा के इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे। इसको डाल देंगे अपने पैन में, हम इसकी ऑन कर देंगे चूल्हा अपना। बस इसको तेज फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। इसका निकला है दूध, वैसे तो हमने इससे हम जो है आटा गूंधे, अगर तो बहुत ही अच्छा आटा गूंधता है, बहुत ही सॉफ्ट रोटी होती है इसके आटे की, खूब बढ़िया पराठे बन सकते हैं। मगर इसे आटा गूंदने से पहले इसको चख लेंगे एक बार कि ये ठीक है, कड़वाहट तो नहीं है किसी तरह का, तभी टेस्ट में अच्छा हो, ठीक हो, आपकी मलाई बहुत पुरानी ना हो, तभी इससे आटा गूंदे।
इसका बटर मेल्ट होने लगा है। शुरू में एक दो बार इसको थोड़ा सा चला दें ताकि नीचे लगे ना, चिपके ना। इसको मैंने छोड़ दिया था, अब ये अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब हम अपना जो है चूल्हे को धीमा कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में आके चलाते रहेंगे, लगातार छोड़ेंगे तो ये नीचे से थोड़ा सा लग जाता है। बीच बीच में आके एक बार चला देंगे बस। देखिए इसका घी अलग होना शुरू हो गया है। देखिए इतना बढ़िया फटाफट निकल आया 15 मिनट में, घर का एकदम बढ़िया फ्रेश घी बिना किसी मिलावट वाला। देखिए इसको पकाते पकाते मुझे करीब 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में ये पूरा घी इसका बन गया है। देखिए इसका इस स्टेज पे जब ये इतना हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसका जो इसके जो मलाई है जल के, देखिए एकदम लाइट ब्राउन सी हो गई है, बस इस स्टेज पे हमको इसको ऑफ कर देना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो घी का कलर भी ख़राब हो जाता है, और क्योंकि हमारी ये घी बहुत बासी नहीं थी, बहुत पुरानी नहीं थी, तो इसका इसको जब हम पहले तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँ। इसका स्विच मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये देर तक ऐसे इसमें बबल रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, काफ़ी देर तक, कम से कम आधा घंटा इसको लग जाएगा नॉर्मल होने में। जब नॉर्मल हो जाएगा तो आप अपना स्ट्रेनर रख के इसका घी को छान लें, और ये जो बचता है बिल्कुल बढ़िया खोया आपका निकलता है। ये इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं एज ए खोया। ऐसे हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, ना ही इसका मट्ठा और ना ही इसका खोया। इस खोए से हम लोग बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं, कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनाई है, मिल्क केक जैसी। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चाहें तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। घी बनके रेडी है, अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए, मगर जब तक जमने से पहले ही आप इसको छान लें, छान के किसी कंटेनर में डब्बे में रख लें। मैंने रख लिया है, अभी ठंडा हो गया है घी।